ये कपकेक काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर जगह जहाँ देखो कपकेक। तो मैं भी सोची क्यों ना कपकेक की रेसिपी ट्राई किया जाए। और ये जो इतना वायरल हो रहा है, ये हकीकत में है या फिर ऐसे ही दिखाया जा रहा है, तो मैं भी इसको बनाने के लिए तैयार हो गई और फटाफट से सारे सामग्री को तैयार कर लिए। और देरी किस बात की, ओवन नहीं है फिर भी हम कपकेक बना के तैयार करेंगे। प्रेशर कुकर तो पड़ा है घर में, उसका कब काम करेंगे, तो हम केक बनाते हैं उसी में। और इस केक के आगे सारे चॉकलेट केक फेल है, इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी कि आप एक बार खाने के बाद मना नहीं कर पाएंगे और ये बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि आप घर में बना लेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 3 चम्मच चीनी। अब इसी चम्मच से हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा। 3 चम्मच मैदा डाल दिए हैं। अब 1 चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें चॉकलेट पाउडर और आधा चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिए, 1 पिंच के लगभग नमक इसमें ऐड किए हैं और 3 चम्मच हम इसमें दूध डाल दिए। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट ले, जब तक कि ये पूरा बढ़िया से मिल ना जाए तब तक हम इसको मिलाएंगे। और मिलाने से क्या होगा, इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं। घी ऐड करने के बाद खूब बढ़िया से फेंट ले, जितना इसको फेंटेंगे उतना लाइट कलर इसका निखर के आता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चॉकलेट सिरप, जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चॉकलेट सिरप हम डाल दिए हैं और इसको खूब बढ़िया से हम फेंट के तैयार कर लेंगे। फेंटने के बाद देख सकते हैं कि इसका कलर कितना लाइट हो चुका है। अब हम इसको बेक करने के लिए प्रेशर कुकर तैयार करते हैं। प्रेशर कुकर चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। इसमें हम डाल दिए हैं नमक। नमक डालने से क्या होता है कि इसका तापमान बराबर रहता है। और कुकर के ढक्कन से हम रबर और सीटी दोनों निकाल लेंगे। अब हम कुकर के बीच में एक छोटा सा कटोरी डाल दिए हैं और 5 मिनट तक गर्म होने देंगे। इधर हम सामग्री केक का जो तैयार किए हैं उसमें ऊपर से थोड़ा सा हम चॉकलेट ऐड कर दिए हैं, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा चॉकलेटी आपका केक बनके तैयार हो जाएगा, जो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। अब हम कुकर में डाल दिए, इसका ढक्कन बंद कर दिए हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे तो देखिए कितना अच्छा फूल चुका है केक अपना। अब हम इसको ट्राई करते हैं कैसे, एक चाकू डालेंगे, अगर चाकू में लग जाता है इसका मतलब केक कच्चा है। 2 मिनट और लगने दिए, उसके बाद देख सकते हैं केक बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको कट करके देखते हैं कि कैसा केक बना है। सही में वैसा बना कि हैक कुछ और ही हैक हो चुका है, लेकिन ये नहीं था जैसा हम सोचे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर केक बनके तैयार हुआ है। तो यकीन माने आप भी ट्राई करें और अपना सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट करके अपना सुझाव शेयर कर सकते हैं कि कैसी लगी आज की रेसिपी। और सही में यकीन माने कि ये कपकेक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी।